कटर मशीन की चपेट में आकर महिला हुई गंभीर रूप से घायल। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ परिजनों ने थाना पुलिस से की शिकायत। सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के गांव भिसी की रहने वाली नीता पत्नी राकेश की बेटी ने बताया, कटर मशीन में लाह निकलवाते समय अचानक मेरी मम्मी की धोती मशीन की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि घायल अवस्था में नीता को ट्रैक्टर स्वामी द्वारा सिकंदरा राव के एक अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया, परंतु ट्रैक्टर स्वामी अस्पताल में छोड़कर वहां से फरार हो गया, जिसके चलते परिजनों ने घायल नीता को लेकर पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने घायल नीता के परिजनों से शिकायत पत्र लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम भाई मैं जुट गई। नेहा, पिताजी का नाम क्या है? राकेश। कहाँ रहते हो? किसी। ये क्या घटना हुई है? आप सब लोग थाने पर इकट्ठे होकर आए, बताएं। लाया लेकर रहे थे, सुबह हम कटर में चली गई, वो आ गई। कौन चली गई? सापर भाई, मम्मी। मम्मी, क्या नाम इनका? नीता। इनके पति का नाम क्या है? राकेश। अच्छा, अब इनकी हालत कैसी है? बचने की उम्मीद नहीं है। बचने की उम्मीद नहीं है। बाकी डॉक्टरों ने, आपने डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, अब थाने पर आप क्यों आई है? रिपोर्ट करने आए, वो ना आए तो मतलब जिस ट्रैक्टर वाले से इनकी चोट लगी है वो ट्रैक्टर वाला नहीं आया, तो आपने उनसे बात नहीं की? ट्रैक्टर वालों से करी थी वो, क्या बोले वो? नहीं अभी अस्पताल तो छोड़ के बजे आए, छोड़ के चले गए। उनका इंतजार तो करना चाहिए था, करना चाहिए। वो आते आए सवेरे, आए नहीं हमारे साथ। तो अब आप पुलिस में क्या एफ आई आर करना, क्या करेंगे एफ आई आर? हम रिपोर्ट करेंगे उनके नाम। किस चीज़ की? मेरी मम्मी को उसमें खटर में छोड़ के।